CF3 रेडिकल और CH3 रेडिकल विच विल फॉर्म डाइमर मोर रेडली. क्लियर? आउट ऑफ दीज टू विच विल फॉर्म डाइमर मोर रेडली. अभी मैंने पीछे बता दिया है कि CF3 रेडिकल के अंदर हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 होती है. sp3 होती है तो क्या होगा? इसका जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो sp3 ऑर्बिटल में होगा. वो कहां पे होगा? sp3 ऑर्बिटल में होगा. और CH3 रेडिकल में जो लोन इलेक्ट्रॉन है, जो लोन इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, निकल दिए मैं यहां पे, लोन इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 ऑर्बिटल में होगा. sp2 ऑर्बिटल में होगा. तो पहला रीजन है कि sp3 में है फर्स्ट. sp3 मोर डायरेक्शनल, सिंगल लोब है, मोर डायरेक्शनल. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. Is more directional. Hybrid orbital is more. इसमें क्या है? P orbital में इलेक्ट्रॉन है तो वो उतना डायरेक्शनल नहीं होगा जितना sp3 hybrid orbital ज्यादा डायरेक्शनल होता है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा. हाइब्रिड ऑर्बिटल दे फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल्स. तो इसलिए पहला पॉइंट ये आ गया. दूसरा पॉइंट sp3 के अंदर सिंगल लोब में इलेक्ट्रॉन है. क्लियर? सिंगल लोब में इलेक्ट्रॉन है. सिंगल लोब में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें क्या है, दो लोब्स में है तो ये ऊपर नीचे क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा. कभी ऊपर रहेगा, कभी नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर रहेगा, कभी नीचे आ जाएगा. तो बॉन्ड डायमंड बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? तो डायमंड बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जो सिंगल लोब में है, दो लोब्स में है, जो सिंगल लोब में है उसकी डायमंड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी. हाँ, सिंगल लोब हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म. सिंगल लोब इलेक्ट्रॉन हैज मोर टेंडेंसी, हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर, हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर. ध्यान रखेंगे, सिंगल लोब इलेक्ट्रॉन हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर. क्लियर? सिंगल लोब इलेक्ट्रॉन हैज मोर टेंडेंसी टू, यहां पे सिंगल लोब में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल लोब में इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है. एक तरह से जैसे रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस हो रही है, कुछ उस तरह से सोच सकते हो. इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल नहीं है इजीली, इसके अंदर CH3 रेडिकल के अंदर. तो इसलिए सिंगल लोब वाला जो है वो जल्दी से बॉन्ड बनाएगा. दूसरा पॉइंट ये. तीसरा पॉइंट देखेंगे, CF बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है. CF बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर. CF बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड, CF बॉन्ड is more than CH bond. CF bond की strength ज़्यादा होती है. CF bond की strength ज़्यादा होती है than CH bond. Fourth point. अब ये ध्यान सुनना point. जब CF3 radical से C2F6 बनेगा. C2H6. और जब CH3 radical से C2H6 बनेगा. किसके अंदर? आपने ऊपर C2H6. हाँ, दोनों कुछ नहीं था. दोनों में क्या चेंज आएगा हाइब्रिडेशन में? बोलो, हाइब्रिडेशन में क्या चेंज आएगा दोनों के अंदर? व्हाट विल बी द चेंज इन हाइब्रिडेशन? सेम हो जाएगी. देखो, ध्यान से देखना. CF3 रेडिकल में हाइब्रिडेशन क्या थी? sp3. इसमें तो बनी रहे चार सिग्मा बॉन्ड, इसमें तो है ही sp3. इसमें हाइब्रिडेशन क्या थी? sp2. इसमें क्या हुई? sp3. तो इसमें एनर्जी बैरियर आएगा कि नहीं? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से दूसरे, एक हाइब्रिडेशन से दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो क्या एनर्जी बैरियर आएगा कि नहीं? इसमें लेस एनर्जी बैरियर होगा इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में जाने के लिए, क्योंकि हाइब्रिडेशन सेम है. और इधर क्या होगा? हाँ प्रथम, कुछ बोलना है सर? गलती से. हाँ, कुछ नहीं होता. sp2 से sp3 जब बना, sp2 से sp3 बना, तो इसमें क्या होगा? एनर्जी बैरियर आएगा, क्योंकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से हम दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसके डायमंड बनाने में एनर्जी बैरियर आएगा. तो इसलिए भी रीजन है. ये चार रीजन है इसके. पहला रीजन क्या था? इसका लोन इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा है बॉन्ड बनाने की. और इसका लोन इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में है, तो टेंडेंसी थोड़ी सी कम है. दोनों बनाएंगे वैसे डाइमर, जैसे ये डाइमर बन गया, ये डाइमर बन गया नीचे. दूसरा पॉइंट, इसका लोन इलेक्ट्रॉन सिंगल लोब में है, इसका लोन इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है.
तो ऊपर से नीचे ये क्या था बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ी ना इसके अंदर फोर्थ केस में CF3 रेडिकल से C2F6 बनेगा जब तो इसमें हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा एनर्जी वेरिएंट कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि हाइब्रिड और हाइब्रिडेशन पहले भी sp3 थी अब भी sp जब sp2 से sp3 में जाएंगे CF3 रेडिकल के अंदर तो ब्रेक हो रही है नहीं सर सही है सही चलो सही है नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं हुई सर अब एक चलो एक एक दो क्वेश्चन और टॉपिक खत्म कर रहे हैं बस अब ये ऑर्डर ऑफ डायमेंशन में अरेंज करना है NO रेडिकल NO2 रेडिकल ClO2 रेडिकल ऑर्डर ऑफ डायमेंशन क्या होगा ऑर्डर ऑफ डायमेंशन बोलो जल्दी ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन सर NO रेडिकल NO2 रेडिकल ClO2 रेडिकल सर NO2 रेडिकल NO रेडिकल ClO2 सर NO2 रेडिकल के अंदर तो कोई एक वो ही है सर लोन लोन इलेक्ट्रॉन है बस एक और NO रेडिकल के अंदर एक ही डब पाई बॉन्ड है तो कम रिपल्शन होगी और उसके बाद दो पाई बॉन्ड है CNO2 रेडिकल में ज्यादा रिपल्शन नहीं ये रीजन नहीं देखो पहली बात तो NO2 रेडिकल के अंदर ये था सिंगल इलेक्ट्रॉन NO2 रेडिकल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है इसका इसका कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है लेकिन NO रेडिकल के अंदर ध्यान देना लोन पेयर लोन इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं इसके अंदर होगा कि नहीं तो ये लोन इलेक्ट्रॉन क्या होगा ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी ClO2 की तरह इसकी भी ClO2 की तरह ClO2 में तो एनर्जी बढ़ी थी इसकी कि नहीं अभी बताया पीछे ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी इसका परसेंटेज पी ज्यादा तो इसका लोन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा परसेंटेज एस ज्यादा तो इसका परसेंटेज एस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कम हो गया तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा एबीएमओ में एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाएगा एंटीबॉन्डिंग में चला जाएगा और ऊपर चला गया इसलिए बॉन्ड ऑर्डर को कम करेगा कैसे कम करेगा इधर भी आएगा तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो अब डायमर नहीं बनाएगा ये और कितने न्यूक्लियस में इन्वॉल्व हुआ ये कितने न्यूक्लियस के साथ रेजोनेंस कर रहा है एक तरह से तीन न्यूक्लियस के साथ सीएल है और दो ऑक्सीजन तो तीन न्यूक्लियस के साथ रेजोनेंस कर रहा है और एनओ वाला कितने न्यूक्लियस से रेजोनेंस करेगा इसमें भी ऐसी होगा इसका परसेंटेज पी ज्यादा तो इसका परसेंटेज एस ज्यादा तो इसका परसेंटेज एस कम तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एंटीबॉन्डिंग में पहुंचेगा एंटीबॉन्डिंग में पहुंचेगा तो बॉन्ड ऑर्डर को कम करेगा इस वाले को इधर आएगा तो ये कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हुआ दो से अट्रैक्टेड हुआ और इधर कितने से न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हुआ ये वाला तीन से तो इसकी डायमर बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी ClO2 वाले की और ClO NO वाले की फिर भी होगी क्योंकि ये दो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है तो इससे आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ डायमेंशन का आंसर आ जाएगा NO2 फिर NO NO2 फिर NO उसके बाद क्या आ जाएगा ClO2 रेडिकल NO2 रेडिकल NO रेडिकल ClO रेडिकल ClO2 रेडिकल समझ गए कि नहीं है तो ये आ जाएगा अब जैसे ये बोल दिया ClO2 रेडिकल ClO3 रेडिकल अब बताएंगे इसकी डायमर उड़ाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ClO3 रेडिकल ClO3 रेडिकल की क्योंकि इसमें तो डीलोकलाइजेशन हो गया अभी बताया मैंने इसमें तो नहीं था ना कोई भी तो ये डायमर जल्दी बनाएगा ClO3 रेडिकल जल्दी बनाएगा डायमर ClO3 रेडिकल जल्दी बनाएगा डायमर NO2 रेडिकल और ClO3 रेडिकल में खुद सोचना
NO2 रेडिकल CLO3 रेडिकल में डायमर बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, NO2 रेडिकल की या CLO3 रेडिकल की? सही है, तो ये कर लेना। और एक क्वेश्चन मैं तुमसे और पूछ रहा हूँ, अगर किसी ने केमिकल बॉन्डिंग में जो मेरा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स वाला टॉपिक पढ़ाया तो, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स वाला टॉपिक पढ़ाया तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मैं डिस्कस करूंगा। तुम्हें अरेंज करना है, ध्यान देना, तुम्हें अरेंज करना है 2s 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 2pz 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 3s 3s। क्वेश्चन नोट कर लेना रंग से, 3s 3pz 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 3d x² y² + 3d x² y² + है बीच में सबके, प्लस ही लगा दो उसमें, 3d x² y² 3dxy + 3dxy3dxz + pz 3dxy + py 2px 2px + 2py 2py। तुम्हें इन सबको अरेंज करना है किसमें, ये एक मिनट, इसमें 3px लेंगे, बट 3px 3px 3py 3py, इन सबको तुम्हें अरेंज करना है किसमें, बॉन्ड स्ट्रेंथ में। ये जो कर देता है, लेक्चर शायद 4 या 5 था मेरा केमिकल बॉन्डिंग का, जो ये कर देता है तो उसने बहुत लेक्चर ढंग से पढ़ा। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो ये कर देता ढंग से तो उसने किया हुआ है, नहीं तो मेरे को थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, नहीं तो हिंट देना पड़ेगा इसके लिए। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में मैंने कराया हुआ है, इन सबको अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ में। एक क्वेश्चन दिया है, तुम तीन तीन करना चाहते हो तीन तीन करके कर लो, तीन ये फिर तीन ये फिर तीन ये फिर उसके बाद तीन नहीं चार लेंगे, इसमें चार लेंगे फिर लास्ट में ये दो, तो ये इसको अरेंज करना तो अरेंज कर लेना। ये पूरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कहोगे तो मैं आंसर बताता हूँ, ट्राई कर लेना रीजन के साथ। कोई कर सकता है अभी क्या ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ में इसको, कोई भी? दक्ष बोलेगा आंसर क्या? दक्ष, और बाय डिफॉल्ट हमेशा जेड एक्सिस होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस ऑलवेज कंसीडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये टेंथ वाले बच्चों को समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना चीज का, टेंथ वाले बच्चे नहीं करेंगे कुछ इसमें। दक्ष करेगा क्या आंसर इसका? सर यही ऑर्डर होना चाहिए। नहीं नहीं दक्ष ये नहीं है, दक्ष पी की होती ना, और पी ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल, टू पी ज्यादा डायरेक्शनल, टू पी फिर टू पी टू एस फिर टू एस ज्यादा डायरेक्शनल कौन सा होता है सिग्मा में, ये सब सिग्मा बनाएंगे ना, जेड एक्सिस द इंटरनल एक्सिस, ये सब क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। ये इन तीन की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, नहीं तो आंसर मैं क्या बोलूंगा, पहले टू पी जेड सिग्मा है, फिर बोलूंगा मैं सिग्मा ये भी, फिर आएगा 2s 2pz, क्योंकि साइज भी छोटा है इनका, सेकंड शेल के हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं तो स्ट्रांग होंगे, इसलिए पहले ये तीन आएंगे, उसके बाद सिग्मा वाले कौन से आएंगे 3pz 3pz फिर 3pz 3s फिर 3s 3s, क्योंकि s तो डायरेक्शनल होते ही नहीं है ना, जब डायरेक्शनल नहीं होते तो बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। p ऑर्बिटल क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। और क्या आएगा फिर?
फिर कौन सा आएगा इसके बाद, इसके बाद सोचो। 3xz pz। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद अब यहाँ पे आ गया, अब पाई बॉन्ड बन, अभी इन सबके पाई बॉन्ड बनने, इनमें से कोई भी सिग्मा नहीं बनाएगा, इनमें से कोई भी सिग्मा नहीं बनाएगा, अब बनेंगे पाई या डेल्टा बॉन्ड, अब बनेंगे पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा डक्स, पाई की डेल्टा? ये पहले बता दक्ष, ये पाई बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड वाले लेक्चर पढ़े हैं कि नहीं तूने दक्ष? सर लास्ट ईयर जो आपने थोड़ा सा बताया था बस वही याद है। अच्छा वही है, नहीं नहीं फिर तूने अभी केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर पढ़े नहीं है, फिर पढ़ने पड़ेंगे। मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका, बाद में ट्राई करेंगे इसको, इसका आंसर आएगा उसके बाद डेल्टा बॉन्ड वाले, जो ये आएगा 3D, ये दोनों इक्वल, ये दोनों डेल्टा बनाएंगे, डी एक्स जेड पी जेड, ये कौन से बनाएंगे, इसका बनेगा एक्स एक्सिस पे, इसका वाई से वाई कैंसिल, इसका बनेगा, मैंने दोनों सेम लिख दिए क्या, जेड से जेड, हाँ इसका भी एक्स एक्सिस बनेगा, हाँ तो इसका पाई बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे इनके एक्स एक्सिस पे, ये दोनों इक्वल होंगे अब, लेकिन इससे कम, इन दोनों से कम ऊपर, क्योंकि ऊपर डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, डेल्टा बॉन्ड डी ऑर्बिटल से बनते हैं, अब बताऊंगा इसको मैं कैसे है, इसमें बनेगा सिर्फ पाई बॉन्ड पी से, तो ये दोनों इक्वल होंगे लेकिन ऊपर ऊपर दोनों से कम होंगे क्योंकि उसमें डी इन्वॉल्व था, तो यही नीचे ऑर्डर यही है, नीचे का ऑर्डर यही है, ऊपर चेंज था थोड़ा, मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा इसको, डेल्टा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है देन पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन पाई बॉन्ड, इसको डिटेल में लेना पड़ेगा टॉपिक को, एक बार तुम लोग फोर्थ लेक्चर रीड कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर को डिटेल में लेना पड़ेगा पूरा टॉपिक। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, चलिए नेक्स्ट टाइम करेंगे, दक्ष एक बार रीड कर लेना उसको। ओके थैंक्स।